नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो साथियों, आपके सामने है न्यू होलैंड 3630 सुपर प्लस फतेहबाद ट्रैक्टर मंडी के अंदर खड़ा है। चलिए एक बार वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने इसका अगला जो टायर है, हमेशा की तरह इसी से शुरुआत करेंगे। गुडियर का 750/16 का टायर है और FT195 टायर है ये। कंडीशन की अगर हम बात करें तो आपके सामने है काफ़ी अच्छी कंडीशन है। पिछले टायर की अगर हम बात करते हैं तो पिछला टायर है इसका गुडियर का, वज्र सुपर के नाम से जो टायर आता है वो है ये। साइज की अगर हम इसकी बात करते हैं तो 16x28 का साइज है। कंडीशन पर अगर हम आएँ तो कंडीशन इसकी तकरीबन मेरे जो ख्याल से है 65 के आसपास है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जो प्लेटफॉर्म की कंडीशन है वो आप देख लीजिए। अब एक बार आपको इसकी आगे की लुक दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसी है। तो ये आप यहाँ पे आप आगे से देख सकते हैं कि जो आगे की लुक है वो इसकी कैसी है। इस साइड से भी जो प्लेटफॉर्म है वो दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो कुछ ऐसी कंडीशन है इस साइड से प्लेटफॉर्म की। बात करें अब इसके स्टेयरिंग की कि सादे में है या फिर पावर में है, तो पावर स्टेयरिंग के साथ में है। ये आप देख सकते हैं 50+ HP कैटेगरी के अंदर आता है ये। अगले की बात करें तो अगला आपके सामने है न्यू होलैंड 3230+ के नाम से जो ट्रैक्टर आता है वो है ये। बात करें इसके अगले टायर की तो शक्ति सुपर जो टायर है वो टायर है ये, और 6/16 का इसका साइज है। कंडीशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी कंडीशन है। पिछले की बात करें कंपनी कौन सी है वो तो नहीं दिख रही, लेकिन जो साइज़ है वो है 13x28 का, और बिल्कुल नए टायर हैं। अब तक इसकी ठीक से नंबरिंग भी मिटी नहीं है। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। एक बार इसका प्लेटफॉर्म भी आपको दिखा देते हैं। कलर छूटने के और उड़ने के काफ़ी निशान हैं। तो मॉडल भी देखेंगे एक बार कौन सा है, शायद काफ़ी पुराना ही मॉडल होगा ये। आप इसकी आगे की जो लुक है वो एक बार देख लीजिए, तो कुछ ऐसी लुक ये आगे से देता है। अब इसको एक बार दूसरी साइड से देख लेते हैं। तो ये है इसके प्लेटफॉर्म की कंडीशन इस साइड से। स्टेयरिंग की अगर हम बात करते हैं कि पावर में है या फिर सादे में है, तो मैं आपको बता दूं सादे स्टेयरिंग के साथ में है। मॉडल है 2007। कीमत की बात करें तो 2,75,000 रुपये जो कीमत है इसकी वो रखी गई है। अगला आपके सामने है न्यू होलैंड 5500। बात करें इसके अगले टायर की, शोर शराबे के लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला जो टायर है इसका वो 750/16 का है, और कंडीशन आपके सामने है। कंपनी कौन सी है वो दिख नहीं रही, मिट चुकी है। पिछले टायर की बात करें तो पिछला MRF का शक्ति लाइफ प्लस जो टायर है वो है ये। 16x28 का साइज है। कंडीशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, 80-85% के आसपास कंडीशन है टायर की। अब एक बार प्लेटफॉर्म भी आप इसका देख लीजिए। ये है इसकी प्लेटफॉर्म की कंडीशन जो अभी आप देख रहे हैं। इसके बाद हम इसके स्टेयरिंग की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं एक बार। अब दूसरी साइड हम चलते हैं। ये आप देख सकते हैं इस साइड से भी इसका जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसी ही कंडीशन है जो अभी आपके सामने है। हम आपको आगे से भी इसकी कंडीशन दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं। तो ये पावर स्टेयरिंग के साथ में है, सादे में नहीं है। आपको इसकी आगे की एक बार लुक दिखाते हैं। तो ये आगे से कुछ ऐसा दिखाई देता है।